आज हम लोग HPP2 यूनियन और इत्तेहाद यूनियन की तरफ से यहाँ पर बेगम बाज़ार CT9 डिवीज़न में धरना कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग को यहाँ पर परमिट करके ऑर्डर्स काफ़ी दिए थे, उसके बावजूद हम लोगों को परमिट नहीं हुए, लिहाजा इसलिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आर्टिशन करे लेकिन रोक दिए। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हम लोग को ऑब्जर्वेशन में लिए आर्टिशन बोल के, उसके बाद में जो है 23,000 वर्कर्स है टोटल, उसके बाद में आर्टिशन ले लिए, ऑब्जर्वेशन बोल के लिए, उसके बाद में क्या करे, कोर्ट में केस है, हम लोग का बोल के आर्टिशन पे रोक दिए, जिसमें से जो है सैलरी भी बिल्कुल कम दे रहे हैं। अब जो है 2018 में PRC आने वाली है, PRC देते बोल के बोले, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि PRC भी नहीं देते बोल रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन भी रोक दिए, कोर्ट केस है बोल के वो भी रोक दिए, और तो है तनख्वाह में से, हम लोग की तनख्वाह में से PF ESA डबल कट कर रहे हैं, जो नहीं कट करना चाहिए, जो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा क्या करे, वो तो JLM पोस्टा नोटिफिकेशन, ओपन नोटिफिकेशन डाले, जबकि डिपार्टमेंट में जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो आर्टिशंस बोल के आप जो है दिए, लेकिन उसका ही कंप्लीट नहीं करे प्रोसीजर, पलट के जो है JLM नोटिफिकेशन दे दिए, जो अभी तक उन लोग को देते बोल के बोले, फिर उन लोग को भी नहीं दिए, हम लोग को भी नहीं दिए, इसके बारे में कुछ भी। और यहाँ पे जो है कोई बच्चे 20 साल से काम कर रहे हैं, कोई 15 साल से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से काम कर रहे हैं, फिर पलट के क्या करे, ग्रुप वाइज कर दिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4, जिसमें जो है बहुत कम से कम तनख्वाह जो है 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये में क्या होगा, ग्रेड 4 में जो है बहुत सारे बच्चे है जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, उसे कुछ होने वाला तो है नहीं। CM साहब भी, और CM साहब इससे पहले बोले कि जो है 23,000 आदमियों को परमानेंट कर देते हैं हम, हो जाता है इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह आएंगी बोले, लेकिन वो भी नहीं हुआ, परमानेंट भी नहीं हुए, JLM पोस्ट बोले JLM ही नहीं दिया, आर्टिशन बोले खाली, आर्टिशन का भी पूरा कम्प्लीट प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में जो है इक्वल पे बोल के वो भी नहीं दे रहे हैं, फिर जो है डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग को 24/7 एग्रीकल्चर में जो पावर दे रहे हैं उसका स्पेशल इंक्रीमेंट दिए उन लोग को, वो हम लोग को वो भी नहीं दे रहे हैं, इंक्रीमेंट भी नहीं दे रहे हैं, DA भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं हम लोग, इतना हो सका हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी चलो गोल्डन तेलंगाना के वास्ते वर्कर्स है, 23,000 वर्कर है, और उसके बावजूद भी थोड़े बहुत लोग हैं जिसमें से 200 या 300 बच्चे हैं जिसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लिए, उन लोग भी काम कर रहे हैं, जो आज भी काम कर रहे हैं, एट मंथ से काम कर रहे हैं, 8 मंथ से सैलरी नहीं आई उन लोग को, काम ले रहे हैं बराबर लेकिन सैलरी नहीं दी है, ऐसे जो है 400-500 वर्कर्स है अभी TSSPDCL TS Transco TS Genco और NPDCL। आप कब कब प्रोटेस्ट? एक स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, आज जो है 28 को धरना है, उसके बाद में जो है SC ऑफिस करने धरना है अपने 10th को है,
फिर उसके बाद में जो है चलो वरंगल प्रोग्राम है, उसके बाद में सीएमडी साहब का प्रोग्राम है मेन कंपाउंड में, उसके बाद में एक भरंगा सभा होगी, उसके बाद में हम लोग समय में जाएंगे। जब तक हमको जस्टिस नहीं मिला हम जब तक जो है अपना काम रोक देंगे, काम रोक के जो है हम काम सीएम साहब बोल के तीवी साथ में सीएम साहब बोले हम लोग को खुश करे, लेकिन हुआ नहीं कुछ भी अभी तक। हमें उम्मीद है कि गोल्डन तेलंगाना को मैक्सिमम जितना अपार्टमेंट की तरफ से 99% हम लोग वर्कआउट करे से 24 आवर्स जो लोग एडिशन जो जितने भी काम करे उन लोगों के तरफ से गोल्डन तेलंगाना का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में तकरीबन काम करने वाले वाले एडिशंसी से और कलेक्शन लाना क्या हर एक चीज़ है जो फील्ड पे हो पोल चढ़ना हो ट्रांसफॉर्म सेरेक्शन या मेंटेनेंस हर एक चीज़ एडिशंसीज करते। और गोल्डन तेलंगाना जो 24/7 जो करंट दे रहे आर्टिशंस के तरफ ही करंट उससे ओलों के तरफ से करंट जल रहा है, कुछ नहीं दे रहे वैल्यू नहीं है जो करंट सप्लाई दे रहे पब्लिक को 99% हमारे आर्टिशंसिस कर रहे से। इनकेस हमारे धरना के टाइम पे या ट्रांसफर फेल हो गया या एलसी हो गया कुछ फीडर ट्रिप हो गया कुछ भी फॉल्ट आ गया वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दि एंड इंटरप्शन सप्लाई ऑफ इसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। गवर्नमेंट इसका जो है पूरा हम लोग जितना हो सके वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन हमारे को कोई जिम्मेदार आदमी पावर मिनिस्टर भी अब लोग डिस्कस करेंगे हम नोट कर लिए इसके बारे में देखिए बोल के इवन असेंबली में सीएम के सामने हुए सो बात है रिसेंटली लास्ट ये लोग जो प्रॉमिस करे क्या वो हमारे डिमांड से वो फुलफिल नहीं हुए जितने भी परमानेंट करते बोले वो भी बात नहीं हुई खाली असेंबली में भी दूसरे एमएलए से लोग इशू कर रहे तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग नोट कर लिए बोल के हमारे पावर मिनिस्टर साहब भी वही बोल रहे हैं सीएम साहब भी वही बोल रहे हैं वो अननेसेसरी कोर्ट इश्यूज है कोर्ट में पेंडिंग है वो एक इशू ले लेके हमारे को पेंडिंग करते रहे हर केस में कोई हमारे कोई फॉरवर्ड कर रहे नहीं हमारे कोई रिजल्ट आ रहा नहीं इसमें। थैंक यू।